दरभंगा के लहरियासराय स्टेशन पर आज सुबह सुबह एक मालगाड़ी के दो डब्बे पटरी से उतर गया। घटना मालगाड़ी को सेटिंग के दौरान हुआ। मालगाड़ी के बेपटरी होने से रेल ट्रैक को भी नुकसान हुआ। घटना के बाद स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच गई। मौके पर रेलवे के अधिकारी के साथ कई कर्मचारी पहुंचकर मालगाड़ी को रेल ट्रैक पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल पूरी घटना की जानकारी समस्तीपुर रेल मंडल को दे दी गई है। घटना के कुछ ही देर बाद दरभंगा समस्तीपुर रेल रूट को रोक दिया गया था, जिसे तुरंत शुरू कर दिया गया। समस्तीपुर रेल मंडल से भी कई अधिकारियों के साथ बचाव दल आने की सूचना है। फिलहाल लहरियासराय स्टेशन मास्टर मौके पर पहुंचकर तत्काल घटना की जानकारी अपने स्तर से जुटाने में लगे हैं। मौके पर मौजूद रेलवे के अधिकारी ने बताया कि मालगाड़ी जब सेंटिंग के लिए जा रहा था, तभी मालगाड़ी के दो डब्बे 12 चक्का बेपटरी हो गया, जिसकी जांच के बाद पता चल पाएगा कि हादसा क्यों और कैसे हुई और किसकी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी देते हुए लहरियासराय स्टेशन मास्टर संजय कुमार ने बताया कि का जो लोड 12 चक्का डिरेलमेंट हुआ है, हाँ, अब किस कारण से हुआ है उसको तो जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है, जिसकी मतलब कि जांच हो रही है किस कारण से हुआ है। क्या हुआ है सर? चार वैगन ड्रिल, मतलब 12 वैगन ड्रिल कर गया, बेपटरी हो गया। बेपटरी हो गया, क्या लगता है सर किस कारण से हुआ है? किस कारण से तो इसको कुछ अभी बताया नहीं जा सकता, अभी जांच चलेगी, जांच होगी। यातायात सर फिलहाल? यातायात फिलहाल तो चालू हो गया, यातायात में कोई प्रभाव नहीं है, सभी गाड़ियाँ वही जा रही हैं।